यहाँ उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का, अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल उन्होंने समर्पित है। भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आई। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सब से ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती हुई। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था, 10 साल पहले
भारत के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और ये सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। स-
साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है। और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्शन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदय पूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है,
इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब की और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मन पूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है।